तो बाबा जो एक एक बात सुनाते हैं सुनते हुए उस बातों पर गौर करके उसको अच्छी तरह समझ करके धारण करना है ये एक आदत की बात है प्रैक्टिस की बात है अगर मैं बात को पूरा महत्व दूं महत्व दे करके उसको समझू एकाग्रता से समझू समझ करके उसको जीवन में धारण करने का संकल्प धारण करूं तब वो जीवन में आ सकता है ऐसे ही सुन लिया तो एक कान से सुना दूसरे से निकल गया बाबा कहते हैं उस स्थिति में धारणा नहीं होगी धारणा करने के लिए एक चित्त एक दत्त एकाग्रता से एक एक बात को अंडरलाइन करते हुए स्वयं से प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे ये करना ही है जिस बात के लिए आप अपने आप से दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करेंगे वही काम आपसे होगा अनुभव होगा ना ऐसा कि नहीं अनुभव है जिस बात पर अटेंशन नहीं देंगे वो बात होगी ही नहीं तो आज बाबा हम बच्चों से ये अपेक्षा रखते हैं कि हम बाबा की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हुए जीवन में धारण करें ऐसे नहीं एक कान से सुना और दूसरे से निकल गया